अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो स्पेशल जो है वो मायो ड्रेसेस पर है। इसमें आप मायो के जो है बहुत प्यारे ड्रेसेस देख रहे हैं और मायो पे हम किस तरह का मेकअप करते हैं और मायो पे किस तरह की हेयर स्टाइलिंग करनी चाहिए और मायो के इवेंट पे किस तरह का फ़ोटोशूट होता है, ये तमाम चीज़ें मेरी इस वीडियो से आपको देखने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी डिज़ाइन इस ड्रेसेस का, इन पिक्चर्स का मिस ना हो सके। बहुत प्यारी ब्राइड्स है, लाजमी नहीं फ्रेंड्स कि आप ब्राइड्स ही ये इस तरह का फैशन करें, और जो है अगर ब्राइड की कोई कजन्स हैं, कोई सिस्टर्स हैं, तो वो भी इस तरह का जो है वो लाइट लाइट सा मेकअप करवा सकती हैं और इस तरह की ड्रेसिंग वेयर कर सकती हैं। लेकिन अगर स्पेशली जैसे आजकल जो है वेडिंग सीजन स्टार्ट है, तो ये तमाम ब्राइड्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। मायो का फंक्शन होता है, बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सी वैरायटीज़ है ड्रेसेस की कि अगर आप शलवार कमीज़ पहनना चाहते हैं सिंपल तो वो पहन लें। इसके साथ कलरफुल जो है दुपट्टे जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और गोटा वर्क और मिरर वर्क के काम बहुत ज़्यादा फैशन में है आजकल। तो अगर आपका सिंपल सा ड्रेस है, उस शर्ट पर जो है आप मिरर वर्क करवा सकते हैं, उस तरह का लाइट सा दुपट्टा कलर फुल गोटे के साथ वो आप वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हल्का सा इवेंट होता है घर में। नॉर्मली बास लोग होते हैं कि मायो के इवेंट को भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फैमिलीज़ में होता है वो घर में ही बस ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई बड़ा इवेंट है तो उसमें आप फ्रॉक्स वगैरह भी वेयर कर सकते हैं, लहंगा गरारा जैसे आपको पसंद हो वो आप वेयर कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉक्स जो है वो ज़्यादा फैशन में है, तो ये होता है कि शॉर्ट फ्रॉक्स जो है ये बहुत अच्छी लगती है मायो जैसे इवेंट में, हल्का फुल्के इवेंट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मेकअप भी नज़र आ रहा है कि मायो के इवेंट पर किस तरह का मेकअप करना चाहिए और किस तरह की हेयर स्टाइलिंग करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको फोटोशूट का भी आइडिया हो रहा है कि आप घर में अपना कितना अच्छा फोटोशूट मायो के इवेंट पे करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएगा आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी है, बारात और मेहंदी की, वलीमे की, वो भी मेरे जो है वो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।